वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यूके ट्यूटोरियल में। और आज हम जानेंगे बूटस्ट्रैप टाइपोग्राफी के बारे में। बूटस्ट्रैप टाइपोग्राफी का मतलब आसानी से दिखाने का तरीका। आसान शब्दों में बूटस्ट्रैप टाइपोग्राफी से हम हेडिंग, ग्लोबल सेटिंग, फैंसी डिस्प्ले हेडिंग और बहुत सी चीज़ें ईजिली डिफाइन कर सकते हैं। चलो एक एग्जाम्पल लेके इस बात को हम समझते हैं और हेडिंग से ही शुरुआत करते हैं। हेडिंग हमें H1 से लेके H6 तक हेडिंग मुहैया करवाता है, और जब हम हेडिंग टैग लगाते हैं तो बहुत ही मामूली सी दिखाई देता है। देखे वो इस तरह, अगर हम इसे बिना बूटस्ट्रैप के ब्राउजर में देखेंगे तो वो इस तरह से रेंडर होगा या दिखाई देगा। दोस्तों, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेरा कोड टाइप करके रखा है, और यहाँ पे मैंने जो बूटस्ट्रैप की लिंक है उसे कमेंट करके रखा है, और ये हमारा रिजल्ट इस तरह दिखाई दे रहा है। जैसे ही हम बूटस्ट्रैप लगाते हैं तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। चलो इसे भी हम एक बार ब्राउज़र में हम देख लेते हैं। मेरे CSS को मैं अनकमेंट कर रहा हूँ। अनकमेंट करते ही मेरा बूटस्ट्रैप लाइव हो जाएगा। देखिए इस तरह से वो दिखाई देगा। बूटस्ट्रैप हमें H1 से लेके H6 तक क्लासेस मुहैया करवाता है। ये तब काम में आते हैं जब हम फॉन्ट स्टाइलिंग को हेडिंग से मैच करवाना होता है। चलो एक एग्जाम्पल लेके इस बात को समझते हैं। देखिए, यहाँ हमने P टैग लगाया है, और इसमें हमने H3 टैग लगाया है P टैग के अंदर। जब भी कोई हेडिंग टैग लगाते हैं तो एक लाइन ब्रेक होता है हेडिंग टैग के पहले और हेडिंग टैग के बाद, जिसके वजह से जब भी हम कोई भी हेडिंग टैग लगाते हैं तो एक लाइन ब्रेक होता है हेडिंग टैग के पहले और उसके बाद, जिसके वजह से बॉडी कंटेंट के नीचे आ जाता है। ये देखिए इस तरह, अगर हम इसे ब्राउज़र में देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। मैंने ऑलरेडी टाइप करके रखा है, जिसे अनकमेंट करने जा रहा हूँ। जैसे मैंने पहले कहा, एक लाइन ब्रेक होता है। करना यह है कि हेडिंग और कंटेंट को एक लाइन में लाना है, बिना हेडिंग की स्टाइल के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। और यहाँ हम बूटस्ट्रैप का क्लासेस को काम में लाएंगे, तो यहाँ हम एक स्पैम टैग का उपयोग करेंगे और उसमें हमारा बूटस्ट्रैप क्लास डिफाइन करेंगे। तो मैं अभी अपना कोड ओपन करने जा रहा हूँ। यहाँ मैंने मेरा ओपन कर दिया है कोड। ये H3 क्लास को हम यहाँ से रिमूव कर रहे हैं, और इसमें हम डाल रहे हैं स्पैम, और इसमें हम लिख रहे हैं क्लास हमारा H3। और ये हम सेव कर दिया है, और जैसे हम इसे रिलोड करते हैं, देखिए जो हमें चाहिए था वो आउटपुट हमें मिल गया है। और एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमें H1 से लेके H6 तक टैग वर्टिकली दिखाना है, तो अगर हमें इसे बूटस्ट्रैप क्लास नहीं यूज़ करेंगे, जैसे मैंने पहले बताया एक लाइन ब्रेक होता है हेडिंग टैग के पहले और उसके बाद, तो वह सारे हेडिंग एक के नीचे एक आ जाएंगे। चलो इसे लाइव में देखते हैं। मैंने ऑलरेडी कोड टाइप करके रखा है, मैं नोटपैड प्लस प्लस यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी नोटपैड यूज़ कर सकते हैं, या जो भी आपको एडिटर पसंद हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे अनकमेंट करने जा रहा हूँ। ये देखिए, हमने इसे अनकमेंट कर दिया है। इसे ब्राउज़र में ओपन करते हैं, ये रीलोड करते हैं। सॉरी, मैंने सेव नहीं किया है। सेव करते हैं, रीलोड करते हैं। देखिए वो एक के नीचे एक आ जाता है। जिस तरह हमने इस हेडिंग का प्रॉब्लम सॉल्व किया था, उसी तरह हम सेम प्रॉब्लम इस सेम प्रोसेस से सॉल्व कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे स्पैम का लिख के रखा है, अब मैं उसे अनकमेंट करने जा रहा हूँ। ये मैंने अनकमेंट करके सेव कर दिया है। ब्राउज़र ओपन करते ही, रीलोड करते ही, ये देखिए हमें हॉरिजॉन्टली H1 से लेके H5 तक हमने जैसे उसमें डिफाइन किया है वैसे हमें हमारा रिजल्ट मिल गया है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ गया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।